सो हेलो गेमर्स, स्वागत है तुम सभी का। भाई आई नो ढोलकपुर सीरीज का एपिसोड आने में बहुत टाइम लग रहा है कि या मैंने थर्ड एपिसोड बहुत पहले अपलोड करा था एंड फोर्थ एपिसोड का आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका क्योंकि भाई थोड़े इशू हो गए थे। देन इशू तो क्या हुए, मतलब कि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मैं टाइम भाई थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं है अब जैसे पहले था, बट या मैं ट्राई कर रहा हूँ अब जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँ ढोलकपुर सीरीज के ऊपर। एंड या इफ तुम लोगों का सपोर्ट मिलता है तो भाई तो कुछ ना कुछ तो नया लाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा टाइम उसमें भी लग सकता है, थोड़ा वेट कर लेना तुम लोग बस, ज़्यादा वेट नहीं। अरे भाई भूख लग गई इसको पहले, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मांगूंगा इस बार अपलोड करने के अंदर वीडियोज़ को, बट या थोड़ा टाइम तुम सभी से मांगना चाहता हूँ मैं अगले एपिसोड्स के लिए, अगले कुछ एपिसोड्स के लिए भाई, क्योंकि समझो यार थोड़ा ठीक है। बट या आज भाई अपन कुछ काम ऐसे करने वाले हैं, लाइक अपना आज की वीडियो का गोल क्या है, अपन ने देखो वहाँ पे तुम्हें वो दिख रहा है, वहाँ पे अपन ने बनाया अंडरग्राउंड बेस अपनी सर्वाइवल सीरीज के अंदर, ठीक है। एंड उससे पहले तुम ये देखो भाई ये, और ये पता मिले कैसे मुझे, मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ, रुको। बिटवीन इस चैनल पर नहीं हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और एपिसोड में और मजे आने वाले तुम लोगों को, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, दबा दो लाइक और सब्सक्राइब। देखो मैं तुम्हें बताता कि जो टोटम ऑफ अंडाइंग मुझे मिला कैसे है, ठीक है। ये देखो तो एक्चुअली सिनेरियो क्या हुआ था, जब मैं सिंगल प्लेयर में ग्राइंड कर रहा था तो इसके अंदर मेरे मैं लाइक ये बेस बनाया था ना अंडरग्राउंड, तब ऊपर मेरा है पिलेजर, देन पिलेजर्स की वजह से हुआ क्या कि मेरे विलेज के ऊपर रेड पड़ गई, क्योंकि विलेजर की वजह से मेरी रेड ट्रिगर हो गई ऑन, ठीक है भाई। जो रेड मैंने निकाल लिया बिना किसी टूल के, मैं लिटरली बिना स्वॉर्ड के लड़ रहा था सबसे, मैंने वो चीज रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि वहां पे मेरी बहुत बेइज्जती होती, मैं लिटरली 25 से 30 बार मरा हूँ उस पूरी रेड को खत्म करने में, और मैं जितने भी आयरन गोलम थे विलेजर सब भाई सब गायब हो गए अपने। देखो एक दो बैनर, दूसरा बैनर यहाँ पे एंड आई गेस एक और बैनर होगा, तो यहाँ पे ये देखो भाई ये चीज मैंने बनाई थी ऑफलाइन, मैं लिटरली बहुत टाइम लगा है इसको पूरे को सही करने में, यहाँ पे लाइक कितने स्टोन्स थे, मैंने ग्रेनाइट वगैरह सबको तोड़ना पड़ा है भाई, जो मेहनत लगी है इस काम को करने में क्या ही बोलो। और उतने में भाई रेड, मैंने पूरी रेड जो संभाली थी वहां पे सोलो में, तुम नहीं समझ पाओगे भाई उस टाइम मेरी क्या हालत हुई इस रेड को पूरा खत्म करने में। बट रुको मैं पहले इसको पूरा करता हूँ, देन अपन इसको स्टार्ट करेंगे अपने बेस को पूरा करना। भाई ब्रेक टूटी कैसे, आई डोंट नो, देखो मैंने यहाँ पे सारा सामान भी ऑलमोस्ट सारा सामान मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो आगे ज्यादा टाइम अपन को लगेगा नहीं इसको पूरा करने में, ठीक है। तो अपन को प्लैंक्स बनाने, सबसे पहले 5 टैक प्लैंक्स भाई इनफ है गैस एक बार के लिए। चैन बनानी है, आयरन चाहिए, नगेट भी चाहिए, टॉर्चेस भी चाहिए भाई, ये एरिया आई गेस इनफ होगा, ठीक है। इतना एरिया अपने बेस के हिसाब से, अंडरग्राउंड बेस के हिसाब से इनफ है, क्योंकि अभी मेन बेस अपना बाकी है, ऊपर जो बनेगा वो बेस अपना बाकी है, और ये रिकॉर्डिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बेस का टाइम लैप्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग मजे ले सको टाइम लैप्स के भी। आप मेरे को लैंटर्न बनानी थी ना, उसके लिए मेरे को स्टोन बनाने पड़ेंगे आएगा पहले, ये बना लेते हैं एक एक्स, एक्स अपन को चाहिए वुड के लिए, तो वुड भी ले लेते हैं पहले, एंड अपन को चाहिए प्लैंक इस एरिया के लिए, लेट्स गो। प्लैंक कहाँ पे है, प्लैंक 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 ये रही, अबे ये तो ज्यादा हो जाएगी, रुको एक मिनट, अपन को आएगा 60 इनफ है प्लैंक्स, थोड़ी स्टेयर्स बनानी है, स्टेयर्स कर लेते हैं,
इनफ स्टेयर्स भी। अब देखो आपको करना क्या है, अपन को यहाँ पे प्लैंक्स लगानी है यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया में अपने प्लैंक्स लगेंगी। तो देखो यार मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग अबे भाई एक तो ये आगे पीछे लग रही है ना, दिक्कत हो रही है। आई गेस इनफ है इतना। ओके अबे पता नीचे केव है भाई, केव में मॉब वगैरह बहुत जाते हैं, मॉब की ही आवाज आ रही है मेरे को आधे से आधा। तो प्लस सिंगल प्लेयर है तो भाई ज्यादा दिक्कत होती है, सिंगल प्लेयर में तो वैसे ही दिक्कत है भाई, सब कुछ सोलो करना है तुम्हें। अब देखो मैं ऐसे कह रहा था तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे ज्यादा बेटर है। और चैन का क्या यूज है मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ, चैन मैंने क्यों बनाई है यहाँ पे वो भी बताता हूँ तुम्हें। देखो अपन को करना क्या है, यहाँ पे आई गेस यहाँ पे अपन लगाते हैं एक स्लैब, ऑल राइट, देन चैन, ठीक है, चैन लगा के टॉर्चेस नहीं बनाई भी अपन ने, देखो टॉर्चेस बना लेते हैं। चलो मैं या तो एक काम करता हूँ, मैं इसको टाइम लैप्स में डालूंगा, मैं इतने इसमें ज्यादा कोई हरकतें नहीं करूंगा क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं ऐसे कमेंट्री करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं उस चीज को देखते हुए मैं एक बार थोड़ा इसको टाइम लैप्स में करूंगा बिल्डिंग को जो भी है, मैं तुम सभी को मिलूंगा वीडियो के एंड में।
तो या ऐसा कुछ लगेगा अपना बेस, अभी भी काम पूरा नहीं होगा कि मेरे पास सामान पूरा नहीं है, तो या मैं सामान लेके आऊंगा, इस थोड़ी के बाद में आएगा। बट जहां तक है अपना ये बेस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे अपने फर्नेस वगैरह है, यहाँ पे अपने चेस्ट आ गई, देन नीचे बेड वगैरह, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया देखना पड़ेगा ये किस काम में आ सकता है एरिया। एंड उसके बाद में मेरे पे सामान तो है बट क्या करना है वो मेरा अभी दिमाग में है नहीं, ठीक है, तो वो चीज अपन बाद में कर लेंगे। बट अपना एक जो अंडरग्राउंड बेस था वो अपना बन चुका है पूरा, एंड मूनलाइट असेंबली भी वापस चालू हो चुके हैं, तो भाई जो जो बंदा पब्लिक असेंबली में खेलना चाहता है तो मूनलाइट असेंबली में आ सकता है। तो मैं सारे आईपी एंड एड्रेस, जावा प्लेयर्स के लिए एड्रेस और आईपी, सॉरी आईपी जो जावा प्लेयर खेलते हैं उनके लिए आईपी जो है तुम्हें सर्वर मिल जाएगी, और एड्रेस तुम्हें सर्वर मिल जाएगा बैटरॉक प्लेयर के लिए, जावा प्लस बैटरॉक दोनों बंदे खेल सकते हैं एसएमपी के अंदर। एंड ये रही टॉर्च भाई, बहुत काम आती है टॉर्च, कूल बहुत लगता है भाई। एक तो यहाँ पे ग्रास है ना, ये पता नहीं इनका कलर अलग सा ही हो रखा है, पता नहीं क्या नशे है इसके ना, बेकार लग रही है, ज्यादा ग्रास व्रास भी फिर बेकार लगती है। यहाँ पे अपन कुछ और काम करेंगे चलो, बट या ऐसा कुछ लगेगा अपना बेस पूरा होने के बाद में। एंड भाई अपना बेस कुछ भी कहो लग बढ़िया रहा है अंडरग्राउंड बेस। तो बस आज की वीडियो में बस इतना इतना ही था, मैं आई गेस मैं मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर, ढोलकपुर सीरीज के अगले एपिसोड के अंदर। तब तक ले टाटा बाबाई, एंड इसका टाइम लैप्स तुम्हें मिल जाएगा वीडियो के अंदर ही, तो देखना मत भूलना। एंड भाई डिस्कॉर्ड से ज्वाइन कर लो, और वीडियो अच्छी लगे एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये बहुत अच्छा लगेगा भाई, सही कह रहा हूँ। तो चलो बाबाई, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सेव कर देता हूँ और स्टॉप ला 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 ला।